15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक 11 प्रमुख ट्रस्टी ही निर्णायक भूमिका में हैं। इन 11 ट्रस्टियों में से 9 सदस्य विहिप से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद का पूर्ण बहुमत हो गया है। 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक 11 प्रमुख ट्रस्टी ही निर्णायक भूमिका में हैं। इन 11 ट्रस्टियों में से 9 सदस्य विहिप से जुड़े हैं। 9 सदस्यों में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, युग पुरुष स्वामी परमानंद, स्वामी विश्व प्रश्न तीर्थ, स्वामी गोविंद देव गिरी विहिप मार्गदर्शक मंडल से जुड़े हैं, जबकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल को विहिप व संघ दोनों में कार्य करने का अनुभव है। वह राम मंदिर का प्रतीकात्मक शिलान्यास भी कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर अनिल मिश्र अवध प्रांत के सह कार्यवाह है। इनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता के परासन भी संघ से जुड़े हैं। वह विहिप के विधि परामर्शदाता भी है। केवल निर्मोही अखाड़ा के महंत दीनेन्द्र दास और अयोध्या राज परिवार के बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र ही संघ व विहिप से अलग है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण से पूर्व अयोध्या के आसपास के राम भक्तों से विहिप ने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 22 फरवरी को हनुमान मंडल के बैनर तले अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के मार्ग प्रमुखों की बैठक कार सेवक पुरम में आयोजित की जा रही है। अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के प्रमुख सुरेंद्र सिंह के अनुसार इसमें गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या व बाराबंकी जनपद के लोग भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक भी जल्द होगी। विहिप के सूत्र के अनुसार एक पखवाड़े के भीतर यह बैठक अयोध्या में हो सकती है। संभावना यही है कि मार्च के पहले सप्ताह बैठक करके मंदिर निर्माण की योजना से संबंधित जरूरी फैसले ले लिए जाए, जिनमें मंदिर निर्माण से संबंधित कई जरूरी फैसले भी होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।